हेलो वेलकम नमस्कार केड़ो हाल है कसक काय केम छो। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे। जेके इन न्यूज़ हैंडडियम पर स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप लोगों को पता है कि दिन शनिवार और 21 नवंबर हो चुका है, तो आज की तमाम बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस, टॉप न्यूज़, विशेष खबरें, ताज़ा खबरें जान लेंगे इस बुलेटिन में। बुलेटिन को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक जरूर करें व चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकन नहीं दबाया, बेल आइकन जरूर दबाएं, आपका बहुत बहुत आभार होगा। बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं आज की हमारी। तो बात करें पहली बड़ी खबर की, तो पहली बड़ी खबर 22 नवंबर को ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजनाओं का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। जी हां, बेहद बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 22 नवंबर को उत्तर प्रदेश के विंध्याचल क्षेत्र के मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। अगला अपडेट मध्य प्रदेश को लेकर के, मध्य प्रदेश में फिर से लगेगा लॉकडाउन, सीएम शिवराज ने दी है जानकारी। दिवाली के बाद दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। इसको देखते हुए कई राज्य सरकारें फिर से सूबे में पाबंदियां लागू करने जा रही हैं। गुरुवार को गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया, तो वहीं मध्य प्रदेश में भी कोरोना बढ़ते मामलों के बीच चर्चा रही कि राज्य में फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। पूरे प्रदेश में लॉकडाउन को लेकर सीएम शिवराज ने स्थिति साफ कर दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में अब लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। सीएम शिवराज ने शुक्रवार को कहा कि जहां स्थिति ज्यादा खराब है और कोरोना के ज्यादा मामले आ रहे हैं, वहां कुछ पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। गौरतलब है कि प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने ट्वीट में कहा कि वे बढ़ते मामले के प्रति चिंता व्यक्त कर रहे हैं। अगला अपडेट यूपी को लेकर के, यूपी में लव जिहाद पर सीएम योगी का बड़ा रोक, सरकार ने उठाया बड़ा कदम। आइए आपको बता दें क्या पूरा मामला। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद पर जल्द ही बड़ा कानून। जानकारी के मुताबिक प्रदेश के गृह विभाग ने कानून का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है। वहीं सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शुक्रवार को कहा कि देश और प्रदेश के अंदर लव जिहाद के नाम पर जो एक बड़ी समस्या खड़ी है, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, उसके खिलाफ सख्ती की आवश्यकता है। सीएम योगी की अगुवाई में सरकार इस विषय को लेकर गंभीर है और इस पर सख्त कानून जल्द ही बनाया जाएगा। तो इस प्रकार से आप ट्वीट देख सकते हैं कि किस प्रकार से ट्वीट किया गया है और लव जिहाद को लेकर के चिंता व्यक्त की गई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की तैयारी में है, वो भी जल्द से जल्द। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में साफ कर दिया था कि मैं शादी करने के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अवैध है। अगला अपडेट, रांची के धुरुआ क्षेत्र में डूबते सूरज को अर्ध, यहां एक साथ 32 तालाब हैं जहां पूजा के दौरान विहंगमन दृश्य बना है। जी हां, आपको बता दें कि शनिवार को सुबह उगते सूरज को अर्ध देने के साथ हुआ छठ महापर्व का समापन। लोक आस्था के महापर्व छठ पर व्रतियों ने डूबते सूरज को अर्ध दिया। रांची शहर के धुरुआ क्षेत्र के सालीमार तालाब पर छठ के व्रतियों की भारी भीड़ उमड़ी। यहां उन्होंने डूबते सूर्य को अर्ध दिया। धुरुआ सालीमार तालाब में छोटे बड़े मिलाकर के टोटल 32 तालाब हैं, जहां हर साल छठ पूजा के लिए हजारों व्रतियां व्रत रखती हैं और वहां पर आती हैं। तो वहां जो दृश्य होता है वो काफी मनोहरम दृश्य होता है। तो इस प्रकार से आप स्लाइड पर भी देख सकते हैं किस प्रकार से 32 तालाब एक ही जगह पर। अगला अपडेट, कुणाल कामरा के एक और ट्वीट को लेकर चलेगा अवमानना का केस, अटॉर्नी जनरल ने दी है सहमति। जी हां, आपको बता दें कि कुणाल कामरा ने एक ट्वीट में भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई के बारे में उंगली के जरिए अश्लील और अपमानजनक इशारा कर दिया था। ये आप देख सकते हैं, तो उस पर अटॉर्नी जनरल के की वेणुगोपाल ने केस चलाने की सहमति दे दी है। कुणाल कामरा ने एक ट्वीट में भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई के बारे में उंगली के जरिए अश्लील और अपमानजनक इशारा किया था। अगला अपडेट, दिल्ली में सर्दी का सितम बढ़ा, पिछले 14 साल में सबसे सर्द रही नवंबर की सुबह। जी हां दोस्तों, दिल्ली में नवंबर से रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ने लगी है। इसे देखते हुए माना जा रहा है कि आगे के महीनों में यहां सर्दी और सता सकती है। राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले कम से कम 14 साल में नवंबर में दर्ज किया गया सबसे कम तापमान है। निजी पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट वेदर के विशेषज्ञ महेश पलावत ने बताया कि शहर में सर्द हवा के साथ ही न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री नीचे 10 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली में न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले कम से कम 14 साल में
नवंबर में दर्ज किया गया सबसे कम तापमान है। अगला अपडेट, डॉक्टरों की सलाह पर सोनिया गांधी ने कुछ दिनों के लिए छोड़ दी दिल्ली, बेटे राहुल गांधी के साथ पहुंच गई है गोवा। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने बेटे राहुल गांधी से कहा कि वो भी उनके साथ गोवा चलें। आपको बता दें कि डॉक्टरों ने उन्हें दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते दिल्ली से दूर रहने की सलाह दी है। सोनिया गांधी काफी समय से सीने से संबंधित बीमारी से परेशान हैं। अब दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है, ऐसे में डॉक्टरों ने उनसे दिल्ली की प्रदूषित हवा से दूर रहने की सलाह दी है। इसी सलाह के अनुसार अब वह कुछ दिनों के लिए गोवा में रहेंगे, उनके साथ उनके बेटे राहुल गांधी भी रहेंगे। अगला अपडेट, देश में कोरोना की वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी ने की उच्च स्तरीय बैठक, खरीद संबंधी विषयों पर की है चर्चा। देश में कोरोना महामारी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन की रणनीति को लेकर एक समीक्षा बैठक आयोजित की। इस बैठक में पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीन की सफलता की गति, विनियामक अनुमोदन और खरीद से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। तो वहीं आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन को लेकर कई फार्मा कंपनियां दावा कर रही हैं कि उनकी वैक्सीन 90% से ज्यादा कारगर है। इसी के चलते भारत सरकार अब कोरोना वैक्सीन को लेकर बैठक कर रही है। अगला अपडेट, मौसम को लेकर के, आने वाले 24 घंटों में दक्षिण प्रायद्वीप में वर्षा कम हो सकती है, लेकिन लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख समेत मुजफ्फरबाद और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जम्मू कश्मीर में कुछ जगहों पर वर्षा और बर्फबारी होने का अनुमान है। मराठवाड़ा, विदर्भ, मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र के अलग अलग स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। इस प्रकार से मौसम अपडेट आपको पता चल ही गया होगा। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। एक महीने बाद पेट्रोल व डीजल की कीमत में हुआ है बदलाव। आपको बता दें कि 20 नवंबर को पेट्रोल डीजल की कीमत में एक महीने बाद बदलाव किया गया। आज तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी किया है। आपको बता दें कि पिछले 56 दिनों से राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 81.06 रुपए पर ही रुकी। हालांकि अब कीमतों में बदलाव हुआ तो आइए आपको बता देते हैं। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल की कीमत में 17 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी के बाद एक लीटर पेट्रोल की कीमत 81.23 रुपए हो गई है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो 87.92 रुपए प्रति लीटर हुआ है। वहीं कोलकाता पेट्रोल 82.79 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है, चेन्नई में 84.31। तो डीजल की बात करें तो बढ़ोतरी की बात से दिल्ली में एक लीटर डीजल की कीमत 70.68 रुपए हो गई है, जबकि आर्थिक राजधानी मुंबई में एक लीटर डीजल की कीमत 77.11 रुपए है। वहीं कोलकाता में 74.24, इसके अलावा चेन्नई में एक लीटर की 76.17 है। इस प्रकार से एक महीने के बाद थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला। अगला अपडेट, राहुल गांधी ने शायराना अंदाज में मोदी सरकार पर कसा तंज, ट्वीट कर लिखा, सरकारी कर्मचारियों की हालत पस्त, पूंजीपति मित्र मुनाफा कमाने में मस्त हैं। एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर पूंजीपति मित्रों को मुनाफा पहुंचाने का आरोप लगा दिया। फॉर नाउ इट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अगेन, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड ऑल्सो डोंट फर्गेट टू प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।